हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत करता हूं आपके चैनल जीएस स्पार्क में। दोस्तों, पहले तो हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाह रहे हैं जो आप हमारे वीडियो को इतना प्यार देते हैं और कमेंट में आप बोलते हैं, जैसे कुंदन कुमार हैं कि बोले थे कि कमेंट का मैंने जॉब मांगा था कि पीएम की सैलरी कितनी होती है, तो उन्होंने बताया नहीं, लेकिन उन्होंने कहा कि सर मेरा वीडियो में नाम लीजिए। तो कुंदन कुमार, आप चैनल से साथ जुड़े हैं तो आपका जरूर हम नाम लेंगे। और अशोक राजपूत ने भी आंसर दिया था कि 1,60,000 पीएम की सैलरी होती। दोस्तों, इसी तरह आप वीडियो को हम लोग देखते रहिए और चैनल के साथ जुड़े रहिए, ताकि हमें भी लगे कि आप कमेंट करते हैं तो हमें भी काफ़ी अच्छा लगता है और मोटिवेशनल मिलता है कि हाँ, काफ़ी अच्छा वीडियो का रिस्पॉन्स आ रहा है। चलिए, हमने पिछली वीडियो में बात किया था भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत का पार्ट वन, नेक्स्ट हम बात करेंगे पार्ट टू के बारे में। तो इस वीडियो में कंप्लीट बात कर लेंगे हम पार्ट वन और पार्ट टू के बारे में। जितने भी प्रश्न आएंगे भारतीय संविधान विदेशी स्रोत आपके एग्जाम में आप इजीली कर जाएंगे। चलिए, आपका कौन सा पार्ट है? पार्ट टू। पार्ट टू यानी पार्ट वन हम बात कर लिए। अगर देखे नहीं है वीडियो तो उस वीडियो को देख लिए, काफ़ी हेल्पफुल रहेगा एग्जाम से रिलेटेड। हमने 6 देश के बाद बात किए थे, अमेरिका का, ब्रिटेन का, साउथ अफ्रीका का यानी दक्षिण अफ्रीका का, ऑस्ट्रेलिया का, इसके बाद जर्मनी का बात किए थे और मौलिक कर्तव्य बताया था रूस की, यानी ये 6 देश की बात किए थे। तो हमने काफ़ी आपको इजी वे से बताया था कि हाँ, आप इस तरह याद करेंगे तो आपको इजी हेल्पफुल होगा। चलिए हम बात कर रहे हैं, इसके बाद नेक्स्ट है आपका जापान का संविधान। भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत में पार्ट टू है जापान का संविधान। जापान का संविधान, जापान का संविधान इंपॉर्टेंट नहीं है, इससे प्रश्न अभी तक आयोग ने नहीं बनाया। अब क्यों नहीं बनाया, अब उसकी प्रॉब्लम है, लेकिन इससे प्रश्न भी बनते हैं और बाकी जितने भी हमने बताया था पिछली वीडियो में 6 देश से, उससे प्रश्न बने हैं। लेकिन जापान के संविधान से जानते रहिए, कानून द्वारा स्थापित एवं शब्दावली प्रक्रिया, कानून द्वारा स्थापित शब्दावली एवं प्रक्रिया, ये जो लिया गया आपके जापान के संविधान से लिया गया है, इंपॉर्टेंट नहीं है, पूछा नहीं गया है उसमें, बस आपको पता होनी चाहिए कानून द्वारा स्थापित शब्दावली और प्रक्रिया कहाँ से लिया गया, जापान के संविधान। चलिए नेक्स्ट हम बात करें फ्रांस का संविधान। इंपॉर्टेंट है फ्रांस का संविधान, तो आपको आना चाहिए। फ्रांस के संविधान से सबसे ज़्यादा पूछा गया लोकतात्मक गणराज्य। लोकतात्मक गणराज्य जो लिया गया फ्रांस के संविधान से लिया गया, और समानता और बंधुत्व ये भी लिया गया फ्रांस के संविधान से। चलिए, इंपॉर्टेंट काफ़ी है फ्रांस का संविधान। फ्रांस का संविधान कई बार एग्जाम में पूछा है, पीसीएस तक एग्जाम में आया कि लोकतात्मक गणराज्य, यहाँ नोट कर देते हैं लोकतंत्रात्मक गणराज्य। इसके बाद नेक्स्ट है आपका लोकतात्मक गणराज्य के बाद समानता बंधुत्व। समानता बंधुत्व यानी भाईचारा कहाँ से लिया गया, फ्रांस के संविधान से। और लोकतात्मक गणराज्य, फ्रांस एक ऐसा देश है जहाँ पे उन्होंने पहले सबसे पहले लोकतात्मक गणराज्य को अपनाया था। लोकतात्मक गणराज्य का मतलब होता है जनता के द्वारा जनता के हित के लिए निर्वाचित जो चीज़ें होती हैं वो लोकतात्मक गणराज्य होती है, यानी जो जनता के द्वारा निर्वाचित हो, चाहे डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली, तो उसको हम लोकतात्मक गणराज्य बोलते हैं। और फ्रांस विश्व का एक प्रथम देश है जहाँ पर लोकतात्मक गणराज्य है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है लोकतात्मक गणराज्य, ये कहाँ से लिया गया है आप बताएंगे, फ्रांस के संविधान से लिया गया और सबसे ज़्यादा यही पूछा गया लोकतात्मक गणराज्य। यानी जापान का संविधान हमने बताया और आपको फ्रांस का संविधान, कम से कम 8 देश हो गए। और नेक्स्ट आपका देश है आयरलैंड का संविधान। आयरलैंड का संविधान से प्रश्न बहुत ज़्यादा बनते हैं, जैसे हमने बताया था डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, 36 से 51 तक आर्टिकल जो पूछा गया है जापान के आयरलैंड का संविधान, काफ़ी इंपॉर्टेंट। आयरलैंड का संविधान, आयरलैंड का संविधान काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यानी DPSP, यानी DPSP यानी राज्य के नीति निदेशक तत्व, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निदेशक तत्व, 36 से क्या है आर्टिकल 51 तक उल्लेख है। इसके बाद आर्टिकल की सीरीज लाऊंगा तो आपको कन्फर्म हो जाएगा, बस जानते रहिए DPSP आयरलैंड के संविधान से लिया गया और भाग 4 में क्या है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी राज्य की नीति निर्देशक उल्लेख किया गया, ये कहाँ से लिया गया आप बताएंगे, आयरलैंड से लिया गया। नेक्स्ट है आपका, काफ़ी इंपॉर्टेंट है
अनुसूची चार, अनुसूची चार यानी राज्यसभा के सीटों का आवंटन, यानी यूपी से 31 सांसद जाएंगे, बिहार से 16 जाएंगे, एमपी से 11 जाएंगे, ये कहाँ से लिया गया आप बताएंगे? आयरलैंड के संविधान से लिया गया। दो आपके हमने बताया राज की नीति तक कहाँ से लिया गया, आयरलैंड से लिया गया। अनुसूची चार कहाँ से लिया गया, आयरलैंड से लिया गया। ये दो देश हो गया। इसके बाद नेक्स्ट है राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल, राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल यानी आर्टिकल 54 में क्या है राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के बारे में उल्लेख किया गया, ये कहाँ से लिया गया, आयरलैंड से लिया गया। इसके बाद नेक्स्ट है आपका राष्ट्रपति द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा राज्य सभा में 12 व्यक्तियों को मनोनीत करता है, ये भी कहाँ से लिया गया आप बताएंगे, आयरलैंड से। देखिए सबसे ज़्यादा पूछा गया इसमें डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कहाँ से लिया गया आप बताएंगे, आयरलैंड से लिया गया। अनुसूची चार कहाँ से लिया गया, आयरलैंड से लिया गया। राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल कहाँ से लिया गया, आयरलैंड से लिया गया। और राज्यसभा में 12 व्यक्तियों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है, ये कहाँ से लिया गया, आयरलैंड से लिया गया। ये चार देश कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हमने 9 देश कंप्लीट बात किया, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, नेक्स्ट देश इसको रब करते हैं। हमने जापान के संविधान बताया आपको, कानून द्वारा स्थापित शब्दावली प्रक्रिया, और फ्रांस का संविधान बताया, लोकतात्मक गणराज्य कहाँ से लिया गया, फ्रांस का संविधान। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कनाडा का संविधान, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कनाडा का संविधान, कनाडा का संविधान। कनाडा के संविधान से राज्यपाल का पद, राज्यपाल का पद आर्टिकल 153 में क्या है उल्लेख है, और राज्यपाल का पद कहाँ से लिया गया, कनाडा से लिया गया। अवशिष्ट शक्ति मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अवशिष्ट अवशिष्ट शक्ति सबसे ज़्यादा एग्जाम पूछा गया, अवशिष्ट शक्ति कहाँ से लिया गया आप बताएंगे, कनाडा के संविधान से लिया गया। इसके बाद अवशिष्ट शक्ति के बाद आपका है संघीय व्यवस्था, संघीय व्यवस्था, संघीय व्यवस्था ये कहाँ से लिया गया, कनाडा के संविधान से। तीन देश, राज्यपाल का पद, अवशिष्ट शक्ति और संघीय व्यवस्था, ये तीन चीज़ें कनाडा के संविधान से लिया गया। ये हमने आपको 10 देश कंप्लीट बताया, टोटल जितने भी हमने बताया था। अकबर आज फिर दक्षिण अफ्रीका जाए, वो कंप्लीट हमने 10 देश के बारे में बताया। और दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ अगर इस वीडियो को दोनों पार्ट वन और पार्ट टू को देख कर जाते हैं तो आप काफ़ी आपको वीडियो हेल्पफुल लगा है। चाहे कोई एग्जाम दीजिए, पीसीएस तक पूछता है कि संविधान संशोधन कहाँ से लिया गया आप बताएंगे, दक्षिण अफ्रीका से। अवशिष्ट शक्ति कहाँ से लिया गया आप बताएंगे, कनाडा के संविधान से लिया गया। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया आप बताएंगे, रूस से। और डीपीएसपी कहाँ से लिया गया आप बताएंगे, आयरलैंड से। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन क्लिक करिए। ओके दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।